मैक्सवेल के 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड। शोएब अख्तर का कहना था कि मैक्सवेल जैसा प्लेयर अब इस सदी में दोबारा नहीं आ सकता। इरफान पठान का डांस, वो भी मैक्सवेल के साथ। इस दफ़ा इरफान पठान ने राशिद खान के साथ डांस नहीं किया। क्या रहा अहवाल इस मैच का, ये सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पे अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला देखने में आया और ऑस्ट्रेलिया के 57 रन के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट हो गए और यहाँ पर मैक्सवेल बैटिंग करने आए और मैक्सवेल ने कमाल की इनिंग खेलते हुए 201 रन की इनिंग खेली है 155 बॉलों के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया को ये मैच सिंगल हैंडेडली जिता दिया है। और यहाँ पे अगर उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे मैक्सवेल ने ओडीआई के अंदर 200 रन बनाने वाले 11 प्लेयर बन गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के पहले प्लेयर बन गए हैं जिसने ओडीआई के अंदर 200 रन स्कोर किए हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर डबल सेंचुरी स्कोर की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है कि ऑस्ट्रेलिया के रन चेस के अंदर किसी ने डबल सेंचुरी स्कोर की हो। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड भी हो गया है क्योंकि किसी भी प्लेयर ने रन चेस के अंदर 200 स्कोर नहीं किया। यहाँ पे मैक्सवेल वो वाहिद प्लेयर बन गए दुनिया के जिन्होंने रन चेस के अंदर भी 200 रन स्कोर किए। तो दोस्तों, यहाँ पे इरफान पठान ने इस मैच के बाद आके डांस नहीं किया। राशिद खान के साथ उनका फिर वादा था ये, उसके बावजूद उन्होंने डांस नहीं किया। और शोएब अख्तर का कहना ये था कि आके इरफान पठान को मैक्सवेल के साथ भी डांस करना चाहिए था। और यहाँ पे शोएब अख्तर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं मैक्सवेल की इस इनिंग से और उनका कहना था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं लगान मूवी देख रहा हूँ और मैक्सवेल ने छक्के लगाए इस मैच के अंदर, बहुत शानदार बैटिंग करी है और मैक्सवेल से ही आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं जो कि इस तरह की इनिंग खेल सकते हैं। और वसीम अकरम का कहना था कि मैक्सवेल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इन द वर्ल्ड और उसने आज साबित किया है और सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जिताया और पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप के अंदर चांसेस बना दिए। अफगानिस्तान के इस मैच को हारने के बाद यहाँ पे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा चांसेस बन गए हैं कि पाकिस्तान अपना अगला मैच जीते और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मैक्सवेल की डबल सेंचुरी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए।